आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से डराया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है, इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब पर निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे। और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ तीन दफ़ा हाथ उठा के जय हिंद कहिए, मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद, जय हिंद। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम से कम में अपनी बात खड़ी खड़ी खत्म की। जोरदार तालियां फारूक साहब को, उन्होंने समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कम में बात कही। त्रिची सिवा डीएमके से आपके बीच आ रहे हैं, स्टालिन साहब का संदेश आपके लिए ला रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां त्रिची शिवाजी के लिए। रेस्पेक्टेड मल्लिकार्जुन खारगे जी, रेस्पेक्टेड राहुल गांधी जी,